सो नमस्कार दोस्तों, डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और नए साल की शुभकामना मैं नहीं दूंगा क्योंकि इस बहाने से मेरी एक वीडियो और बन जाएगी, ठीक है। तो उस वाली वीडियो में आपको सब शुभकामनाएं देंगे क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी, ठीक है। तो ये रहेगा ना कि भाई हमें उनको विश करना है सब्सक्राइबर्स को अपने को, तो एक वीडियोज और बनानी पड़ेगी, तो उस चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइल वाले के ऑफ़र चल रहा है। पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नॉक्स फाइल, क्योंकि नॉक्स फाइल अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। केजी रिमूव फाइल जिसको बोलते हैं, तो आपको लगता होगा भाई सिंपल ओडिन टूल से फ्लैश कर दो और वो नॉक्स जो है रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अभी जो पुराने जो सारे मेथड थे वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो नॉक्स फाइल वाला मेथड अभी काम कर रहा है और बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर ये वीडियो बनाई गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइलवाले.com के ऑफ़र को लेकर। तो ये जो ऑफ़र रहेगा ये बेसिकली चल रहा है अभी 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक का ये ऑफ़र है। अगर आप एक साल का प्लान लेते हो तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसका आपको प्राइजिंग पहले दिखा दूँ, ठीक है, प्राइजिंग और डिफरेंस बता दूँ अदर जो वेबसाइट्स हैं उनमें। तो यहाँ पर $10 है, ठीक है। अब $10 मीन्स USDT का रेट लगा दो लो तो ₹900 में आपको एक साल का प्लान, ₹900 में आपको दोस्तों यहाँ पे 15 महीने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अभी उसको अगर 900 को डिवाइड करोगे आप 15 से तो ₹60-65 के आसपास बैठेगा, ₹60-65 महीने और ₹2 पर डे, ठीक है। अब ₹2 पर डे में इतना आपको चीज़ें मिल रही हैं ना यहाँ पे, इनकी अपडेट लगातार बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब यहाँ पे इस प्लान को समझ भी लेते हैं कि ये 15 महीने है। दूसरा, इसमें बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, यानी आज आपने लिया तो 15वें महीने में ही ख़त्म होगा, बीच में कुछ भी ऐसी बैंडविड्थ नहीं है, 2GB, 4GB, 8GB ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, अनलिमिटेड जीबी है, 10 फाइल डेली आपकी फाइल 5GB, 10GB, 8GB जो भी हो 10 फाइलें डाउनलोड कर पाओगे। और वेबसाइट में मैं ये हवा हवा में बातें नहीं कर रहा, जाके कंपेयर कर लेना किसी और वेबसाइट से, वहाँ पे आपको मिलेगा 20GB, 15GB, 10GB। आपने 5-5, 8-8GB की फाइलें डाउनलोड की ना, 4 फाइलों में वो उसकी लिमिट 20GB वाली कंप्लीट हो जाती है। कोई कोई तो आपको 10GB देगा, क्या करोगे, 2 फाइलें डाउनलोड करी ख़त्म, कहाँ है डेली की। तो यहाँ पे वो सारी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और देखो रीसेंट में जाके दिखाता हूँ मैं आपको, रीसेंट में ही देखो डे, यहाँ पर रीसेंट पूरा भरा पड़ा है, यहाँ पर 100 फाइल्स आती हैं एक बार के रीसेंट में, अब इससे ऊपर फाइलें होंगे, ठीक है। तो ये आप इसका रीसेंट चेक कर लो जाके। अब यहाँ पर रीसेंट में देखो प्रीलोडर फाइल्स वगैरह यहाँ पर अपलोड करी गई हैं, ठीक है, ठीके? और ये वीवो की, और यहाँ पर नॉक्स फाइल जो चल रही है ना, हमारी टीम पूरा काम कर रही है नॉक्स फाइल पर और डेली नई नई फाइल्स आपको बना के अपलोड करी जा रही है, ठीक हो। ये है इसकी, ये है नॉक्स फाइल्स, ठीक है। नॉक्स फाइल्स अब यूज़ किस तरीके से होती हैं वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली मैं यहाँ पे ना आपको तरीका तो बताने वाला हूँ लेकिन लाइव करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले ही फंसा पड़ा हूँ। 2 strike SRS टूल की जब वीडियो बनाई थी ना हमने, तो उस पर 2 strike आई हुई हैं, 1 strike और आई ना, तो आगे से हमारा और आपका ना ये सम्मेलन है ना, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी, और मेरे मैं कोशिश करूँगा अपने साइड से कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा किस तरीके से नॉक्स फाइलें यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं, मे बी आपको 12 घंटे मतलब एक दिन मैक्सिमम, और आपके वो फाइल्स यहाँ पे लाने की कोशिश करी जाएगी, आपकी नॉक्स फाइल हो या फिर आपकी कोई भी फाइल हो, वो आप रिक्वेस्ट फाइल में डाल सकते हैं। बाय करने के लिए आवर एजेंट्स हैं, किसी भी एजेंट से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट टीम आपके लिए बैठी है तत्पर, कभी भी जाके आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइमिंग रहता है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि अभी मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा है, तो जो लोग साउथ में हैं तो उनको तो थोड़ी राहत होगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के इलाके में जैसे कि मैं हूँ और ये हमारे जो उत्तर का इलाका है इसमें बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। तो अभी आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ है, आप उसको मैसेज कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे देखो होम पे चलते हैं, होम पे जाएंगे, यहाँ पे तमाम आपको बहुत ही ईजी सी चीज़ें करके दी हुई हैं, बस कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप इसको यूज़ कर लोगे। FRP MDM नॉक्स ऑफ फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सैमसंग पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैमसंग नॉक्स ऑफ फाइल पे चलते हैं, यहाँ पे कोई भी फाइल हम खोल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये है, अभी ये तो आपको पता ही है कि भाई बाइनरी बहुत मायने रखती है सैमसंग में, तो यहाँ पे सेम बाइनरी की आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। अभी नीचे क्या है कि
OEM ऑफ होना चाहिए, यानी आपका फ़ोन का जो बूट लोडर है ना वो अनलॉक होना चाहिए। वो मे बी आप अनलॉक टूल से, चीता टूल से, मीडियाटेक अगर क्वालकॉम है तो आप इन कई टूल्स हैं, आपको देखना पड़ेगा किस टूल से हम बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, तो आप उस टूल से कर सकते हो और वो मॉडल उसमें सपोर्ट होना चाहिए। एक्जोनोस वाले में फंस जाओगे आप। एक्जोनोस वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको चिमेरा होना चाहिए, और जो भी सारे टूल मिल जाते हैं ना वो रेंट पे मिल जाते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से रेंट पे सारे टूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चिमेरा में भी 700-800-900 के आसपास डेली के हिसाब से मिल जाएगा आपको, तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। जो ऑक्टो प्लस वगैरह है ना उससे तो मतलब ये ठीक ही है, क्योंकि उससे सस्ता ही पड़ेगा आपको, 24 घंटे के लिए मिलेगा या 48 घंटे के लिए चिमेरा मिलेगा, तो आप कितने भी फ़ोन उससे कर सकते हो। और फाइल वाले का सब्सक्रिप्शन तो आप ले ही लोगे 2 रुपये रोज में, ठीक है, तो वहाँ से फाइलें आपको मिल जाएंगी, तो क्या है आपका काम बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, ठीक है। बूट लोडर अनलॉक करने की वीडियो देख लेना मैं, और मैं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो नए यूज़र्स हैं वो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उनके सामने बिल्कुल होना चाहिए, तो उसके लिए ना मैं चैनल पे तो अपने वीडियो नहीं डालूंगा, एक फाइल वाले जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियोज़ डलवा दूंगा, और वो ना आपको यहाँ पे वीडियो वाला टैब है ना यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। वो यूट्यूब पे भी नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगी, स्ट्राइक विस्ट्राइक का कोई झंझट नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ डलवा दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा ओवरव्यू ले लो किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये मायने नहीं रखता बूट लोडर अनलॉक किस आप किस टूल से कर रहे हो। बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए फ़ोन का, FRP ऑफ होना चाहिए फ़ोन का, बेसिकली बात है ऑफ। FRP तो आपको ऑफ ही चाहिए। KG स्टेटस जो है वो चेकिंग होना चाहिए या कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो जो फाइनेंस वाला फ़ोन है वो KG लॉक आता है, ठीक है। डाउनलोड मोड में आप जाएंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको KG स्टेटस लॉक आएगा, तो KG स्टेटस कंप्लीट चाहिए। इसका जो अनलॉक टूल में भी है, ठीक है, और KG स्टेटस को कंप्लीट करने के लिए अनलॉक टूल में भी है, क्वालकॉम और शायद मीडियाटेक का तो हो ही जाता है अनलॉक टूल से, लेकिन एक्जोनोस वाले के लिए आपको चिमेरा लेना पड़ेगा, चिमेरा से ही कर पाओगे। KG स्टेटस को कंप्लीट करने के बाद ये जो आपने 3 स्टेप, कुछ भी नहीं है यार इसमें, ज़्यादा समझ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत बढ़ाओ, सीधा बूट लोडर अनलॉक करो, वहीं से टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करके FRP को रिमूव कर लो, फिर दोबारा टेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करो, KG स्टेटस को कंप्लीट कर लो, उसके बाद फ्लैश कर दो, हो गया आपका, ठीक है, फाइनेंस लॉक रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है। मैं जानता हूँ कि मैंने बोल तो दिया है लेकिन बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आएगा, मैंने बताया उनके लिए फ़ाइल वाले पे वीडियो डाल देंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये चीज़ें समझ लो, ठीक है। और दूसरा इसका सब्सक्रिप्शन ले लो आप, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, इसका रेट बढ़ेगा, ठीक है, फाइल वाले का, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त, बहुत टीम ज़बरदस्त काम कर रही है, तो अभी 100% इसका प्राइस भी बढ़ेगा, और मे भी हो सकता है, तो वैसे लिमिटेशन का तो होगा नहीं कुछ, तो लेकिन प्राइस तो बढ़ना बढ़ना है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अभी आप ले लोगे तो उसी प्राइस में कर पाओगे, और इसमें बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, बहुत सारी अपडेट्स पे काम चल रहा है, ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप अगर अभी ले लोगे सस्ते में रहोगे, अपडेट्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे आपको फ्री में, ठीक है। तो बस यही है ना, तो इसको लेना आपको भाई, इसको ले ही लो, कुल मिला के बात यह है कि ज़्यादा खर्चा इसका है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो सारी फाइल्स मिलती है दोस्तों, वो FTP जो होती है ना वो टेस्टेड फाइल्स वगैरह मिलती हैं आपको, जो इनके सर्विस सेंटर से जो उनको पैनल मिलता है ना वहाँ से रीड करी हुई, डाउनलोड करी हुई फाइल्स होती हैं, तो आपको फाइल वो टेस्टेड मिलेंगे, ठीक है। तो KG के बारे में मैंने बताया, KG, और अगर आपको कोई KG फाइल नहीं मिली है ना, रिक्वेस्ट में डाल दो आप, ठीक है, रिक्वेस्ट में डाल दो, वो एक दिन के अंदर अंदर आपकी फ़ाइल उसमें आ जाएगी, क्योंकि इसमें फ़ाइल में ना इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यही था वीडियो में, और नए साल के लिए मैंने भूल दिया, नए साल के लिए अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।